हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पाठशाला। मैं हूं महेंद्र सिंह और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी रीजनिंग की क्लास। और आज हम लोग करेंगे तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक क्या है? सीरीज कंप्लीशन, यानी कि क्रम को पूरा करना। मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले प्लीज़ एक बार इस कछुए को देख कर रिमाइंड कर लीजिए कि ये आप लोगों के लिए बूस्टर है और आपको मोटिवेशन देने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। अब इससे पहले कि चैप्टर स्टार्ट हो, एक क्वेश्चन था जो बच्चों ने मुझसे पूछा है कमेंट बॉक्स में। लास्ट क्वेश्चन में एक डाउट था उनको, तो उसके बारे में डिस्कस कर लें। एक दिया था ऑप्शन ए बी सी डी, 21, 69, 81, 83। तो इसमें ऑड मैन आउट निकालना था। मैंने बच्चों को आंसर बताया था 81, ठीक है, लेकिन काफ़ी कुछ कह रहे थे कि सर कि 83 क्यों नहीं है, ये एक प्राइम नंबर है। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को बताने के बाद मैंने एक आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था, क्यूब, स्क्वायर, प्राइम नंबर और फैक्टर, कि अगर क्वेश्चंस में एक से ज़्यादा आंसर होते हैं तो फिर एसएससी क्या करती है, प्रायोरिटी के हिसाब से ऑप्शन को करेक्ट मानती है। तो पहला प्रायोरिटी क्या है? क्यूब, दूसरी स्क्वायर, तीसरी प्राइम नंबर, चौथा फैक्टर, ठीक है। सो यहाँ पे जब आपको क्यूब मिल गया, 3 का क्यूब, तो यानी आपको यहीं पे ऑप्शन टिक कर देना है, ठीक है। वरना अगर आप अपने हिसाब से दूसरा ऑप्शन लगा के आएंगे, आपको लगेगा कि सही है, लेकिन एसएससी क्या करेगी, उसको गलत कर देगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब सीरीज कंप्लीशन में क्या होगा, देखिए सीरीज अधूरी होगी। तीन टर्म दे दिए जाएंगे, T1, T2, T3, और एक टर्म आपसे पूछ लिया जाएगा, इसी को कहते हैं सीरीज कंप्लीशन। या फिर क्या होगा, T1, T2, T3, T4, T5, 5 टर्म दिए होंगे, इनमें से एक टर्म रॉन्ग होगा, तो आपको उसको फाइंड आउट करना है रॉन्ग टर्म को। तो अब सीरीज कितने टाइप की होती है? एक अक्षरों से बनी हुई, एक अल्फाबेट से बनी हुई। आज के टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, अंकों का क्रम, यानी कि सीरीज ऑफ नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अब नंबरों की सीरीज का जो बेसिक फंडा होता है, जैसे कि कोई भी आपको पैराग्राफ लिखना है, उससे पहले आपको वर्ड आना चाहिए, वर्ड से पहले ए बी सी डी। उसी तरह किसी भी सीरीज को पूरा करने के लिए आपको वो किस टाइप की सीरीज होती है ये पता होना चाहिए। तो हमने बचपन में पढ़ी थी आप सभी लोगों ने, मैं एक बार रिमाइंड करा दूं, समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी में क्या होता है, एक पहला पद होता है ए, उसके बाद हम हर पद में एक फिक्स टर्म को ऐड करते हैं या फिर माइनस करते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए माइनस टू डी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस हो रहा है, यहाँ पे क्या माइनस हो रहा है, तो इस तरह से हमको एक नया टर्म मिलता जाता है। ज्योमेट्रिक मीन में क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी में हम लोग पहले पद में किसी एक फिक्स टर्म से गुणा करते रहते हैं या फिर भाग देते रहते हैं। यहाँ पे देखिए हर टर्म में आर से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे हर टर्म में आर से भाग हो रहा है, ठीक है। तो ये दो बेसिक चीजें हैं। अब श्रेणी बनती कैसी है, जरूरी नहीं कि हो सकता है कभी कभी डायरेक्ट आ जाए, या कभी कभी इन दोनों का मिक्सचर आती है, ठीक है, या फिर कभी स्टेप में आती है कि एक स्टेप में, दो स्टेप में, तीन स्टेप में। मैं ये आपको बताऊंगा आज के लेक्चर में, सो प्लीज आपको ये लेक्चर एंड तक देखना है। और एक बात और, जिसकी बच्चे ने पहली बार ये वीडियो देख रहा है वो प्लीज हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही औसम वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पढ़िए, 0, 6, 24, 60, 120, 210। अब आपको देख के कुछ दिमाग में आया, कई बच्चों का आ गया होगा, फिर भी मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से बताऊंगा, एक बेसिक फंडा और एक ट्रिक, ठीक है। और ये ट्रिक आपके नॉर्मली उन सब क्वेश्चन में लगेगी जो या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे होते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मिक्सचर हो, आगे पीछे, बड़ा छोटा वर्ड ऐसे आए ना, या तो लगातार सीरीज बढ़नी चाहिए या लगातार सीरीज कम होनी चाहिए, ये ट्रिक वहां पर लगेगी। तो पहले बेसिक करते हैं, देखिए 0, 6, 4, 24, 60, 120, 210। तो यहाँ पे जो इक्वेशन लग रही है वो ये है, 1 का क्यूब -1, क्या गया 0, ठीक है, 3 का क्यूब -3, 3 तिकन 9, नहीं नहीं सॉरी 2 का क्यूब -2,
दो दिनी 4 दुनी 8 माइनस 2 6, ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3, 27 में 3 क्या 24, ये क्या है 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 4, 5 का कितना होता है 125 माइनस 5, 6 का कितना होता है 216 माइनस 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 क्यूब माइनस 7। अब 7 का क्यूब कितना होता है 343 माइनस 7 कितना हो गया 336, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये तो था बेसिक फंडा कि आप लोगों ने एक डिजिट को देख के पहचाना और उसके हिसाब से काम किया। नॉर्मली ऐसा होता है पेपर में आपको समझ में नहीं आता कि इसमें कौन सा फंडा लगे, कौन सी बेसिक लगेगी, तो उस केस में आप देखें कि यहाँ पे हर नंबर बढ़ रहा है लगातार, तो वहाँ पे ट्रिक लगेगी। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, लेकिन बस ये थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको क्योंकि इसमें प्लस माइनस करना है, गड़बड़ मत कर दीजिएगा। 0, 6, 24, 120, 210 और यहाँ पे आपका टर्म जो आने वाला है, आप क्या करें अब इसको घटाते जाइए, ठीक है। देखिए 6 में से 0 गया 6, 24 में से 6 गया कितना आएगा 18, 100 यहाँ पे 120 नहीं, यहाँ पे था 60, यहाँ पे था 120, अरे यार फिर से मैं लिख देता हूँ एक बार, जगह थोड़ी कम है। देखिए 0, 6, 24, 60, 120, 210 और ये ब्लैंक हमारा जो हमको ढूंढना है। अब घटाइए फटाफट, देखिए पेपर में ये बहुत जल्दी जल्दी होता है क्योंकि आपके पास फटाफट दिमाग काम करता है। 6, 18, 24 दुनिया 48 प्लस 12 कितना हुआ 36, 60, यहाँ पे 90 और यहाँ पे आपको फिर से ब्लैंक। अब 6 में से 18 गया कितना आएगा 12, यहाँ पे 18, यहाँ 24, यहाँ 30। अब आप देख सकते हैं 6, 6, 6, यानी यहाँ भी क्या आएगा 6, तो ये 6 30 में जुड़ के यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, अब ये 36 90 में जुड़ के क्या हो जाएगा 126 और ये 126 210 में जुड़ के क्या हो जाएगा 336। ये मैंने आपको जल्दी जल्दी बताया ताकि आपको ये पता चल सके कि कितनी स्पीड में काम होता है। अब आपको मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। देखिए ये क्या था, सीरीज का मिक्सचर होता है स्टेप वाइज, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। आपने हर बार, क्योंकि यहाँ पे सीरीज बढ़ रही है लगातार, ठीक है, तो आपको ट्रिक तुरंत याद आनी चाहिए, सीरीज बढ़ रही है यानी हम अपना इस यहाँ पे स्टेप फंडा लगा सकते हैं सीढ़ियों वाला। तो आपने फटाक से घटाना शुरू किया, पहले टेस्ट से दूसरा 6 आ गया, 24 से 6 गया, 18, 36, 60, 90। अब यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे अगर x लिखा होता तो x माइनस 210 करते तो यहाँ पे कुछ लिख के आता, तो आपने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। अब ऐसे अगला स्टेप किया 12, 18, 24, 30, 36 और तब तक करते चले गए जब तक हमको आखिरी में सेम वर्ड नहीं मिल गए। अब यहाँ पे 6, 6, 6, 6 मिल गया, यानी अब समझ गया कि यहाँ पे एक ऐसा टर्म आएगा जिसको 30 से घटाने से 6 आएगा, तो वो क्या होगा 30 प्लस 6 ही तो होगा 36। ये 36 कैसे आएगा, इस टर्म को घटा के 90 से, तो 90 में 36 जोड़ के ये टर्म मिल गया, ऐसे 210 में 126 जोड़ के हमको x मिल गया जो कि 336 है। तो ये है आपकी ट्रिक, ये ट्रिक आपको तभी लगानी है जब आपको बेसिक फंडा ना समझ में आए, वैसे आप चाहो तो लगा भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 4, 6, 12, 14, 18, 30, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखते समझ जाना चाहिए, 4 प्लस 2 6 आ गया, गुणे 2 12 आ गया, +2 14 आ गया, +2 28 आ गया, +2 30 आ गया, यानी क्या चल रहा है, पहले +2 फिर गुणे 2 +2 गुणे 2, यहाँ पे +2 था तो अगला क्या आएगा गुणे 2, तो 30 गुणे 2 कितना हो गया 60, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इस तरह से आपको सोचना है, वैसे ये सीरीज दो सीरीज का योग भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, 4, 12, 28 और अगला 6, 12, 30, यानी कि पहला तीसरा पांचवा वर्ड के साथ 14 और 30। अब देखिए कैसे आया, 4 में आपने क्या जोड़ा +8 12 आ गया, 12 में 28 कैसे आया +16, सेम ऐसे ही है। देखिए 6 से 12 कैसे आया, सॉरी यहाँ पे 14 था, 6 से 14 कैसे आया +8 और 14 से 30 कैसे आया +16। तो आप समझ गए
कि पहले वर्ड में हमने 8 जोड़ा, दूसरे में 16 जोड़ा, तो तीसरे में क्या जुड़ेगा? प्लस का 32, तो यानी क्या हो गया 28, 32, 60। अगर इसका भी वर्ड यहाँ पे जैसे एक डैश और लगा देता तब क्या आता यहाँ पे? तब इस सीरीज का आता। कैसे? प्लस 8, प्लस 16, प्लस 32, यानी कि 62। तो आप दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, प्लस 2 गुणे 2, प्लस 2 गुणे 2, ऐसी प्लस 2 के बाद 60 आया था, तो अगला क्या है 62, तो 60 और 62। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेसिक फंडा, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं तो ध्यान से, थोड़ा टाइम लेगा। एक बार आपने सीख लिया तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी होंगे। जब हम लोग का रिवीजन सेशन स्टार्ट होगा आप देखिएगा कितने जल्दी जल्दी सब क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ देखिए, 1, 3, 3, 6, 7, 9, यहाँ पे डैश 22, 21। अब मैंने आपसे कहा था ट्रिक कहाँ लगती है, जहाँ पे लगातार या तो बड़े वर्ड यहाँ पे छोटा कम होता रहे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया 3 आ गया, बढ़ नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसे में अक्सर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज होता है। ठीक है, वैसे एक बार आप चाहो तो लगा के भी देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। 1, 3, 3, 6, 7, 9, गोला 12, 21, यहाँ पे हमारा ब्लैंक है। देखिएगा, अब 2 आ गया, 0 आ गया, प्लस 3, प्लस 2, 0, प्लस 3, प्लस 1, प्लस 2। तो अब आप देखिए, पहले प्लस 2 किया, फिर 0 किया, फिर प्लस 3 किया, फिर 1 किया, फिर प्लस 2 किया, यानी कि कोई फंडा नहीं बना। ठीक है ना, लेकिन आपको एक चीज देख रहे हैं ना, सब गड़बड़ हो रहा है, इसलिए यहां पे सीरीज नहीं लगी। कुछ बच्चे होते हैं कि ट्रिक सर ने बताई थी फटाक से लगा दो, तो आप क्या होगा आखिर में जाके फंस जाओगे, आपको सेम वर्ड सेम आखिरी में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि या तो लगातार बड़े या फिर लगातार छोटा हो। चलिए बढ़ते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है यहाँ पे, एक्चुअली आप देखिए ध्यान से, 1, 3, फिर 7, ये फिर ये, एक सीरीज तो ये हो गई, एक ये हो गई, 3 के बाद 6, 9, 12, और एक यहाँ पे अगर कुछ होता तो देखिए। अब 3 प्लस 6, 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15, अगर यहाँ पे पूछता तो आप 15 लिख देते, तो यानी प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 हो रहा है। अब यहाँ ऊपर में देखिए क्या हो रहा है, प्लस 2 हुआ तो 3 आ गया, फिर प्लस 4 हुआ तो 7 आ गया, यानी आपने देखा डबल हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस का 8 होगा, तो 7 से 14 क्या आ जाएगा यहाँ पे 15, सॉरी प्लस का 6 होगा यहाँ पे, प्लस 6 तो 13 और प्लस 8 तो 21, बन गया ना। फिर से देखिए, पहले वाली एक सीरीज ये अलग सीरीज है, ये अलग सीरीज, यानी कि ये दो सीरीज का मिक्सचर है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है सीरीज को। तो 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 प्लस 3 15, यहाँ पे 15 आता अगर पूछा जाता तो, लेकिन यहाँ नहीं पूछा गया, आपसे बीच में पूछा गया है, तो आपको ये चीज कैसे निकालनी है। देखिए, 1 से 3 कैसे आया प्लस 2 करके, 3 से 7 कैसे आया प्लस 4 करके, तो आपने देखा 2 फिर 4 हो गया, तो अब 7 से यहाँ पे ऐसा वर्ड आना चाहिए कि आखिरी में 21 भी मैच करे, तो आपने यहाँ पे पहले क्या किया प्लस 6 किया, तो यहाँ पे आ गया 13, 7 में 6 जोड़ गया 13, अब 13 में 8 जोड़ा 21 आ गया, यानी कि आपका आंसर क्या है 13। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा ट्रिक लगानी है, यही तो रीजनिंग होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1/2, 3/4, 5/8, 7/16। अब आप देखिए ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर 1 से 3 हो गया प्लस 2 करके, फिर 3 से 5 हो गया प्लस 2 करके, प्लस 2 करके 7 हो गया, तो अगला क्या आना चाहिए सबको समझ में आ गया 9। अब नीचे देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो क्या आएगा 16 दूनी 32, आंसर क्या होगा 9 बत्ते 32, ऑप्शन ए लगाया, आगे बढ़ गए। इस स्पीड से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां दे रखा है 3, 6, 18, 72, तो आपने फटाक से देखा 3, 6, 18, 72 दे रखा है, 3 गुणे 2 6 आ गया, 6 दूनी 12, 6
त्याई 18, 18 36, 18 54, 18 74, यानी आपने देखा पहले में गुणा दो किया, दूसरे में गुणा तीन किया, तीसरे में गुणा चार किया, तो जाहिर सी बात अब क्या होगा, गुणा पांच, एक सीरीज बन गई ना। तो पांच का 72 में गुणा करेंगे, 5 × 10, 5 × 36 37 और 36, तो 360 इज आंसर। देखा आपने, अब मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी स्पीड बने, आपको पता चले कि इस क्वेश्चन कितनी स्पीड से होते हैं। अगला देखिए, यहां दे रखा है 0, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 24, 26, फटाक से आपको देखते समझ आना चाहिए क्योंकि एक हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है, तो यहां पे आप ट्रिक लगा सकते हैं। अब मैं पहले एक बार नोट कर दूं इसको क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। 0, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 24, 26 और ये आपका ब्लैंक यहां पे। अब देखिए 2 + 1 + 2 + 2 + 3 + 2 + 5 + 5 + 2, उसके बाद 7, फिर से 2। अब आप देखिए यहां पे एक सीरीज बन गई, पहले प्लस का 2 हो रहा है, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 2, प्लस का 3, यानी कि देखिए हर एक अल्टरनेट पे प्लस 2 हो रहा है, यहां पे 2, यहां 2, यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 2, यानी प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। अब बीच बीच में क्या हो रहा है, प्लस 1 हुआ, फिर प्लस 3 हुआ, प्लस 5 हुआ, प्लस का 7 हुआ, तो अगला क्या आएगा, प्लस का 9, यानी कि यहां पे जब 26 में 9 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 35। तो आपका आंसर क्या है, 35। ठीक है, ये ट्रिक इस तरह से काम आती है, वरना आप यहां पे सोचते रह जाएंगे कि क्या फंडा लगना है और समझ में नहीं आएगा। अब यहां देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, जब कभी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दिए जाएं और देखिए संख्या छोटी होती जा रही है, तो आपको गिनना है कितने से वर्ड है यहां पे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, यहां पे 9 है, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, यहां 8 है, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 7 है, 2, 2, 4, 2, 6, यहां पे फिर क्या, 5 शब्दों की, ए 5 अक्षरों की कोई संख्या आएगी। तो देखिए ऑप्शन ए और बी तो ऐसे हट गए, अगर आपको तुक्का मारना है तो। फिलहाल मैं आपको फंडा बताता हूं, कम होता जा रहा है, यानी कि इन्हीं में से एक नंबर हट रहा है, तो आप देखिए कैसे हट रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, यानी कि लास्ट वर्ड हट गया, कौन सा वर्ड हट गया, लास्ट वर्ड, सॉरी। अब क्या हुआ, अगले बार में 4 सेम रहा, इस बार हमारा पहला वर्ड हट गया यानी कि स्टार्टिंग वर्ड, इससे ये कैसे आया, लास्ट वर्ड हटा के, इससे ये कैसे आया, पहला अक्षर हटा के, ए पहला नंबर हटा के, अब इससे ये कैसे आया, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 1 सेम लिखा है, आखिरी का 4 हट गया यानी कि लास्ट वर्ड हटा के, तो अब कैसे आएगा, स्टार्टिंग हटा के, तो स्टार्टिंग का क्या है, 2, इसको हटा दीजिए, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, ऑप्शन डी है, आप टिक लगाइए आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा है, 4/9, 9/20, फिर यहां पे आपका ब्लैंक है, 39/86, सोचिए, आपको टाइम दिया, या मैं सोच रहा हूं इसको आपसे लास्ट में ही आप लोग इसका आंसर मुझे बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और प्लीज इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में इलैबोरेट करूंगा, समझाऊंगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।